हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा आप अपनी वीडियो को शेड्यूल किस प्रकार कर सकते हैं। शेड्यूल का अर्थ होता है टाइमिंग लगाना। तो जिस टाइमिंग को आप सेट कर देंगे वो उसी टाइमिंग पर लॉन्च हो जाएगी वीडियो। तो फ्रेंड्स, जब आप कभी अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं तो उसको प्राइवेसी पे लगा देते हैं। प्राइवेसी के लगाने के बाद आप उस पर अपनी टाइमिंग को सेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार से उसे लॉन्च करना है, रिलीज करना है। जैसा कि आपने बहुत से यूट्यूबर्स को देखा होगा कि उनकी वीडियो बिल्कुल उसी समय पे आती है जिस समय वो डालते हैं। मतलब एक उनकी करेक्ट टाइमिंग होती है कि 4 बजे आना है तो 4 बजे वीडियो आ जाती है। तो वो इसीलिए ऐसा करते हैं कि वीडियो को पहले ही शूट कर लेते हैं और उसको अपलोड भी कर देते हैं, पर वीडियो को प्राइवेसी पे लगाए रहते हैं जिससे वो वीडियो शेड्यूल जब वो करते हैं तो उसी टाइमिंग पे लॉन्च होती है। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप भी शेड्यूल लगा सकते हैं। जिससे मान लीजिए आपको कहीं जाना है या फिर आपके पास टाइमिंग नहीं है तो वो अपने आप वीडियो उस समय लॉन्च हो जाएगी और सभी लोगों को पास नोटिफिकेशन चली जाएगी। मान लीजिए मैंने 4 बजे की वीडियो लगा दी तो 4:01 पे आपकी वीडियो चारों तरफ लॉन्च हो जाएगी। आपके जितने भी सब्सक्राइबर है सबके पास आपकी नोटिफिकेशन जाने वाली है। तो वीडियो में फ्रेंड्स बहुत ही मैंने स्टेप बाय स्टेप इस ट्रिक को बताया है, तो आप लास्ट तक देखिएगा। और फ्रेंड्स चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, वहां पे आपको दिखाता हूँ मैं अपनी वीडियो को शेड्यूल पे लगा के, जिससे हमारी वीडियो बिल्कुल उसी हिसाब से आएगी जिस हिसाब से हमें उसे पब्लिश करना है, तो उसी टाइमिंग पे आएगी। तो चलते अपने मोबाइल स्क्रीन पे। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। अब मैं आपको अपनी वीडियो का शेड्यूल सेट करना बताता हूँ। सिंपली सबसे पहले आपको वीडियो अपलोड करनी है प्राइवेसी पे लगाकर। जब आपका प्राइवेट मोड होगा फिर आपको शेड्यूल सेट करना है कि आपको कितने बजे अपनी वीडियो को लॉन्च करना है। फिर आपको क्रिएटर स्टूडियो खोल लेना है। आप देख सकते हैं आप मेरी ये फर्स्ट वाली वीडियो प्राइवेट है, आपको लॉक दिख रहा होगा, तो इस वीडियो को आपको क्लिक करना है। और फ्रेंड्स इस वीडियो को आपको जब क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। आप देख सकते हैं नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ पे देखिए प्राइवेट है, तो आपको यहाँ पे 4 पॉइंट दिखेंगे, पब्लिक, अनलिस्टेड, प्राइवेट और शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड में आपको चेंज टू पब्लिक एट शेड्यूल्ड टाइम दिख रहा होगा, तो आपके इनमें से शेड्यूल्ड वाला पॉइंट क्लिक करना है। तो आप जब प्राइवेट से शेड्यूल्ड पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर आपको दिन पूछेगा सबसे पहले कि आप किस तारीख को सेट करना चाहते हैं। तो देखिए 1 मार्च, 7 मार्च है, तो देखिए आप ऊपर भी देख सकते हैं 7 मार्च है आज, तो मैं आज ही के दिन अपनी वीडियो को पब्लिश करना चाहता हूँ तो मैं आज ही के दिन सेट करूँगा। तो सबसे पहले आपको तारीख सेट कर लेनी है, फिर आपको हावर सेट करना है। तो अभी 9 बजे, अभी देख सकते हैं आप 7:53 है, तो मैं पहले घंटे को सेट करूँगा, तो यहाँ पर मैं 7 पे इसको ले जाकर क्लिक कर दूँगा। तो मैं अब यहाँ पे आपको मिनट सेट करने हैं, तो अभी आपको मैं मिनट दिखा देता हूँ कि कितने हुए हैं। तो अभी देखिए 7:53 हो रहे हैं घड़ी में, तो आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको 7:56 का टाइमर लगा के दिखाता हूँ। तो 3 मिनट बाद अपनी वीडियो को मैं यहाँ पे पब्लिक करूँगा, इसीलिए मैं यहाँ पे 7:56 का टाइमर लगाऊंगा। तो ये देखिए आप देख सकते हैं 7 मार्च और 7:56 का शेड्यूल्ड सेट हो चुका है। अब आपको ऊपर की तरफ एक सेव वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ये जो एडिटिंग है ये सेव हो जाएगी, और आपको यहाँ पे नीचे की तरफ एडिट सेव्ड का पॉइंट लिख कर आ जाएगा। अब आपका टाइमर सेट हो चुका है, शेड्यूल्ड पूरी तरीके सेट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे शेड्यूल्ड लिख कर भी आ रहा है। अब 7:56 पे आपकी वीडियो ऑटोमेटिक पब्लिक हो जाएगी और सारी तरफ आपकी नोटिफिकेशन चली जाएगी। अभी मैंने एक दूसरी आईडी से यहाँ पे अपने चैनल को खोल रखा है, स्पीक रेकर चैनल को एक दूसरी आईडी से खोल रखा है, और देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि अभी 7:56 हो रहे हैं फ्रेंड्स, 57 मिनट, और मेरी यहाँ पर उसी वीडियो की नोटिफिकेशन आ चुकी है। मतलब 7:57 पर मेरी वीडियो पब्लिक कर दी है यूट्यूब ने, जैसा कि मैंने शेड्यूल्ड सेट किया था। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं उस वीडियो की नोटिफिकेशन मेरे ऊपर की तरफ आ रही है, और 7:57 पर ही हमारी वीडियो को पब्लिक कर दिया यूट्यूब ने। क्योंकि फ्रेंड्स 1 मिनट का अंतराल होता है यूट्यूब के टाइम में और हमारे मोबाइल के टाइम में। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन स्पीक का चैनल की यहाँ पे शो कर रहा है ऊपर की तरफ, जिस वीडियो का हमने अभी शेड्यूल्ड इस पे सेट किया था। तो आप भी ऐसे सेट कर दीजिए शेड्यूल्ड, और आप कहीं जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक यूट्यूब आपकी वीडियो को उसी डेट पर और उसी टाइप को पब्लिक कर देगा।
तो आपको अभी इसी ट्रिक में मजा आया कि नहीं आया, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आ चुका है, 7:57 पे आया, बिल्कुल करेक्ट 1 मिनट के अंदर अंदर। तो फ्रेंड्स यहीं पे अपनी वीडियो को विराम लेता हूँ। वीडियो बताई गई बात को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।